आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे इन्फोसिस स्टॉक के बारे में चूंकि कुछ अपडेट इस स्टॉक को लेकर के आते दिखे हैं और साथ में इसके ट्रेंड को भी समझेंगे इस समय जब तक ये स्टॉक ट्वेल्व एट्टी फोर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है तब तक जो है इंट्राडे बायोन डिप्स यानी जो गिरावट है उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ढूंढेंगे ट्वेल्व के नीचे के क्लोजिंग ही इस स्टॉक को वीक बना सकता है एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें अगर आपको हमारे एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप से जुड़ना है मार्केट साइंटिस्ट प्रीमियम के नाम से जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लें उसके साथ ही चाहें तो मार्केट साइंटिस्ट के जो यूट्यूब चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं थर्टीन ट्वेंटी के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है यहाँ देखेंगे टू मई इसके जो डेविडेंट के रिकॉर्ड डेट हैं वो होते हुए दिखेंगे यहाँ देखें इन्फोसिस शेयर टू टर्न एक्स डेविडेंट डेट ऑन फ्राइडे डेविडेंट डेट यूके फर्स्ट लेडी अक्षता मूर्ति जो कि बेटी है जो फाउंडर है इन्फोसिस के उनके तो उसको लेकर के ये न्यूज़ दिखा यहाँ देखेंगे तो थर्टीन थर्टी फाइव के टारगेट जो है इन्फोसिस के आते हुए दिखे थे ये तो इंट्राडे में ऐसे जो टारगेट देता है उसी को लेकर के दिख रहा है यहाँ कुछ बहुत बड़ा न्यूज ऐसा नहीं है जो इसके ट्रेंड को दिख सके लेकिन जेफरीज ने आईटी को लेकर के क्या कहा है वो समझना ज़्यादा जरूरी है मैनेजमेंट ऑफ इन्फोसिस सी एल टेक एंड टेक महिंद्रा हाईलाइटेड राइजिंग कौशन अमाउंट्स क्लाइंट कौशन ड्राइविंग इंक्रीज स्क्रूटनी ऑन डिक्सनरी आई टी एक्सपेंट्स अप्रैल हैज बिन सफेन देन द मार्च कौशन स्प्रेडिंग अक्रॉस मल्टीपल वर्टिकल्स आई टी फॉर्म ऑल्सो सी लिमिटेड स्कोप फॉर मार्जिन एक्सपेंशन हाँ मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर के तो थोड़ा क्वेश्चन दिख रहा है जिसके कारण ही हमने पिछले लगभग तीन चार क्वार्टर से रिजल्ट बिलो द एक्सपेक्टेशन के आसपास ही दिख रहे हैं और रिजल्ट के आसपास दस परसेंट गिरते हुए भी दिखा था इन्फोसिस एक्सपेक्ट फर्दर अर्निंग कट्स रिमेनिंग बेरिस ऑन द सेक्टर स्ट्रांग डील पाइपलाइन बट रिस्क रिनल डील को लेकर के कंपनी ने कहा है कि मल्टीपल डील अभी पाइपलाइन में है लेकिन यहाँ देखेंगे तो जेफरीज क्या कह रहा है कि जो रिस्क है वो भी रिनवल होते हुए दिख सकता है यानी अगेन उभरते हुए दिख सकता है और चैट जी को लेकर के आई को थोड़ा क्वेश्चन कहा गया है पोस्ट द रिसेंट रैली इन आई स्टॉक निफ्टी आई टी ट्रेडेड एट थर्टी परसेंट प्रीमियम टू द ऑन एवरेज एंड नाइनटीन परसेंट प्रीमियम टू द निफ्टी रिसेंट में थोड़ा बहुत हमने वन थाउजेंड पॉइंट तक के रिकवरी देखे उसको लेकर के दिख रहा है यहाँ देखेंगे वन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड डॉलर की होल्डिंग जो है इन्फोसिस में है uh, ये भी बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है सभी न्यूज़ देखेंगे तो ठीक मतलब ठीक ठाक ही न्यूज चल रहा है बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं कहेंगे यहाँ डिलीवरी देखेंगे तो बायोन डिप्स काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है टेक्निकली ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है और जो इसका चार्ट है आप ये समझे कि ये एक मेजर सपोर्ट है हो सकता है इसको रिटेस्ट करके ट्रेंड कंटिन्यू करे तो अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा है तो थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी के एस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे इसके साथ ही नीचे के टारगेट आपको थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व एट्टी का होना चाहिए और बायर्स को मैं चाहूँगा कि थोड़ा नीचे ट्वेल्व एट्टी थ्री हंड्रेड के आसपास की बाइंग करेंगे ताकि एस एल भी आपका छोटा है और ट्रेंड जो है इस समय जैसा कि हमने अर्लियर भी कहा थर्टीन सेवेंटी फोर्टीन फिफ्टी और फिफ्टीन हंड्रेड लेवल यानी यहाँ से अभी भी देखेंगे तो टू हंड्रेड पर शेयर तक का ये नेक्स्ट थ्री टू फाइव मंथ में ईजिली दिख सकता है